नमस्कार आदाब, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में मैं अनूप सोनी आप सबका स्वागत करता हूं। कहते हैं कि आपदा विपदा के समय ही इंसान के धैर्य की, उसके चरित्र की परीक्षा होती है। कोविड-19 की महामारी ने पूरे देश को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को रोक दिया है, लेकिन ऐसे मुश्किल समय में हमारे सभी डॉक्टर्स, नर्सेज, पुलिस कर्मचारी, सफाई कर्मी और वो सभी लोग जिन्होंने हमारे घर तक हमारी जरूरत की चीज को डिलीवर करके हमें घर में सुरक्षित रहने में मदद की, उन सभी कोविड वॉरियर्स, सभी कोविड योद्धाओं को क्राइम पेट्रोल और सोनी एंटरटेनमेंट की टीम सैल्यूट करती है। लेकिन जहां एक तरफ इन लोगों ने पूरी निष्ठा से समाज और देश के सामने शानदार एग्जाम्पल पेश किए, वहीं कुछ नकारात्मक सोच और इंसानों ने ऐसे बुरे वक्त में भी अपराध का दामन नहीं छोड़ा और हमेशा की तरह इस आपदा के समय में भी अपराध की सबसे पहली मार पड़ी महिलाओं पर। फिर वो उनके अपने घर का डोमेस्टिक वायलेंस हो या फिर खाली सड़कों का फायदा उठाकर किया गया उनका शोषण। मुझे दारू नहीं मिलेगा मैं यहाँ से नीचे नहीं उतरूंगा। बिना दारू के लॉकडाउन में मेरी जिंदगी की बाट लग गई है। दारू लाके दो, नहीं तो मेरा आरती का बंदोबस्त करो, मैं बोल रहा हूँ। तो आता भी आता। ये वो सारा सामान जिसकी आपने लिस्ट दी थी। थैंक यू सर। और कुछ लगेगा तो कॉल कर देना। सर, मेरे बाबा कब तक आएंगे? वो तो नहीं बता सकते क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव है। कम से कम 14 दिन तो लगेंगे। बचपन में माँ चल बसी, बस बाबा ही है। उन्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? नहीं नहीं, ऐसा मत सोचिए, उन्हें कुछ नहीं होगा। मैंने डॉक्टर के साथ बात की, उनकी रिकवरी फास्ट हो रही है, आ जाएंगे वो जल्द घर में। दादा, ये तो बाज वाले दिनेश दादा की आवाज है। तुम अंदर जाओ, हम देखते हैं। अरे दारू तो क्या दवाई के बांधे, अरे जिंदगी की कुछ तो कदर कर बेटा। अरे जिंदगी की ऐसी की तैसी, मैं अभी कूदूं क्या? बोलो ये क्या क्या चाहिए क्या इसको? सब उसको दारू चाहिए। ए माला, दारू पाइजे साहब। कितनी कितनी पाइजे? दो कॉटन नहीं, दो बोतल चाहिए। लाके देगा क्या? मैं देता हूँ, मैं देता हूँ। नक्की साहब, मैंने बहुत जनों को दिया लॉकडाउन में। संगम हुआ इसको फोन। अरे अरे आऊँ क्या मैं? मजाक नहीं कर रहा ना। हाँ मोरे, हाँ 3 बोतल चाहिए। थैंक यू साहब, थैंक यू। 16-17 दिन हो गए साहब बिना दारू पिए। अब से नहीं करेंगे, तुम्हें पण बोला ना। ऐसा पद साहब नहीं करूंगा मैं। वापस करेगा ना तो 6 महीने के लिए अंदर कर दूंगा तेरे को। सर अगर इसे ऐसा छोड़ देंगे टेरेस से फिर से एंटर ना बन के ले। इसके बाद में ऐसा नाटक करेगा ना सुसाइड करने का तो सुसाइड केस में अंदर कर दूंगा तेरे को। नहीं तो लॉकडाउन में तू बाहर निकला ये केस में, समझा? लोगों को खाने को ना तेरे को दारू चाहिए? अरे देवा देवा, हाथ दाखवा, औषध लावते।
जान से मारेगी मुझे? मैंने बोला ना मुझे दारू चाहिए, दवा नहीं चाहिए मुझे। दादा आई ले दादा, दारू बैन है लॉकडाउन में, उसमें बहने की क्या गलती है? तुम सब औरतों की गलती है, इसकी हाई लग गई मेरी दारू को। और तू क्या रे, क्या इसकी वकील बन रही? अपने घर बार छोड़ के पति छोड़ के यहाँ बैठी है कुकट में, लच्छी छाड़ रही तू, परेशान कर दिया है। देवा देवा, तूने बेटा ने कैंसर दिया है, कैंसर। परमेश्वर दादा, उधारी वाला पैसा नहीं देता तब मानुस कैसा होता है रे? जैसे ही लॉकडाउन खुलता है मैं दे दो ना, वो दिन में मेरा पैसा वापस करा। नहीं तो तू जानता है मैं हिसाब में कितना पक्का हूँ, अपने हिसाब से पैसा वसूल करना जानता हूँ मैं। अरे भाऊ आप काय को टेंशन ले रहे हो, सरकार ने दारू बंद किया है, अपन ने नहीं, अपना काम चालू है, आपका माल पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच जाएगा, पहुंच जाएगा। ओके ओके। क्या रे, क्या चल रहा है? रख मोबाइल रख। लॉकडाउन है इसका मतलब ये है क्या पूरा काम धंधा बंद है, कुछ काम किया करना? अरे पापा जाने दो ना, मैं समझा। इसको नहीं पूरे गाँव का समझा, लॉकडाउन ही तो मेरा पैसा भूल गए सब। कुछ भी कर, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, समझा? जी पापा। सुनील, सुनील कैसा है तुम्हें? तेरे को पड़ी है हाँ? इधर सब काम मुझे ही करना पड़ता है, झाड़ू पोछा, और तू उधर मस्त अपने मायके में ऐश कर रही है हाँ? अरे खुद को बीबी बोलती है ना मेरी। इस पे मेरी क्या गलती, ये कोरोना लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ अटक गई ना। ये देख तू जल्दी नहीं आई ना तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। सुनील क्या बोल रहे हैं आप, पागल हो गए क्या? देख अभी बोल रहा हूं, जल्दी कर लूंगा। सुन आरती। हेलो हेलो गोपाल दादा, आपकी गाड़ी जाती है ना मुंबई सब्जी लेके? हाँ रोज जाता हूँ, क्यों? दादा मेरे को कल ले जाओगे? मेरे को अपने पति के घर जाने का है। हाँ ठीक है। क्या गोपाल मान गया? हाँ बहुत तोलमोल करके माना, कहा कि सुबह 5 बजे जाती हूँ उनकी गाड़ी सब्जी मंडी, तो वो मुझे उसी वक्त ले जाएंगे। देख ऐसा अकेले जाना सेफ नहीं है, पापा को साथ ले जा। कैसी बातें कर रही है बहनी, लॉकडाउन में मेरा जाना मुश्किल है और आप कह रही पापा को ले जाओ साथ में। नको बहनी सुनिए, उनको तो बताना भी मत, एक तो जाने नहीं देंगे ऊपर से लड़ेंगे अलग। ऐसे कैसे जाएगी तू, कहीं ज्यादातर अगर नहीं गई ना तो सचमुच कुछ हो जाएगा। दिहाड़ी और प्रवासी मजदूरों पर, अब ना उनके पास काम है और ना ही वो वापस अपने घर जा सकते हैं। क्या अवस्था झाली सर, सोचिए ना, लॉकडाउन में लोगों के पास घर नहीं, घर नहीं ऊपर से बीमारी का खतरा, खराब हालत है बहुत।
कि कोरोना कब जाएगा किसको मालूम। सर, एक लड़की कंप्लेन के लिए आई है। बोलो। आप शिंदे मैडम, पहले इनकी बैंडेज करो। हाँ बताओ क्या हुआ। सर, लॉकडाउन में मैं अपने मायके में रह गई थी। अब मैं अपने पति के घर मुंबई जाना चाहती थी। घर से निकली तो किसी ने मेरे सर पे पत्थर मारा और मैं बेहोश हो गई। उसके बाद उसने मेरा रेप किया। लेकिन आपको पता है ना, लॉकडाउन में एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा सकते, फिर भी आप जा रही थी। कैसे जा रही थी? मैं सब्जी वाले टेम्पो में छुप कर जाने वाली थी। क्यों रिस्क लेते आप लोग? हाँ, ये लॉकडाउन आपके भले के लिए किया है ना। कितने बजे की बात है? करीब करीब 4:45 बजे। सर, उस वक्त तो गश्त लगी हुई थी, कोई बाहर नहीं था। हो सकता पहले से किसी को पता हो। आप मुंबई जाने वाले किस किस को पता था? टेम्पो वाले गोपाल दादा, मेरे पति सुनील और बेला बहनी। सुनिए मैडम, मेडिकल लगी उनका और डीएनए सैंपल और कपड़े अच्छी तरह से कलेक्ट करो। ओके सर। काम कर, वो गोपाल टेम्पो वाला उसका पता करो और आस पास भी पूछताछ करो। जी सर। आरती, ये क्या हुआ तुम्हें? तुम तो सुनील के घर गई थी ना? सर, आरती का रेप तो हुआ था लेकिन कोई डीएनए का ट्रेस नहीं मिला, कॉन्डम यूज किया गया। और सर, उसके सर पे गहरी चोट भी थी जैसा उसने हमें बताया था। प्रताप, ये रेप सवेरे 4:45 बजे हुआ लेकिन हमारे पेट्रोलिंग टीम को वहां कुछ नहीं मिला। हो सकता है ये रेप प्रीप्लान्ड हो। सर वो कैसे? सवेरे 5 बजे, वो भी लॉकडाउन में, कोई खिस्से में कॉन्डम लेके घूमेगा क्या? कौन हो? इसका कनेक्शन मुझे गोपाल से जरूर लगता है। उस गोपाल को बुला। सर। अरे गोपाल भाई, ये लो लिस्ट, इधर इधर माल पहुंचाने का है और अच्छे से पहुंचाना, पिछली बार जैसा लोचा मत करना यार। संदीप भाई, आजकल पुलिस का चेकिंग बहुत बढ़ गया है, ये माल का क्वांटिटी थोड़ा कम करना पड़ेगा। गोपाल भाई, कसम से यार, ऊपर वाले ने एक नंबर बनाया है इसको, एक दिन ना इसका एटीट्यूड तोड़ने का होगा। वो भाई, मेरे को जल्दी निकलने का है, शाम को पुलिस का चेकअप पड़ जाता है। चलो अच्छा चले बाबा, देखना संभाल के गिरे नहीं। ये गाड़ी आ रही है, अंदर गोपाल वैद्य, जल्दी लाओ, जल्दी पकड़ 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 रोक 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 रोक। टेम्पो किसका है? मेरा सर। तू गोपाल है? हाँ। अरे क्या लगा रखा है, लॉकडाउन चल रहा है पता है ना, मास्क कहाँ है तुम लोगों के? मास्क लगाओ मुंह पे। और लॉकडाउन में वाइन शॉप ओपन करना मना है ना, क्या कर रहे हो यहाँ पे? अरे बंदी तो है, वो तो दिन में एक दो बार ऐसी राउंड मारने को आ जाते, कभी चोरी बिरी हो गया तो। अच्छा, दुकान देखने टेम्पो लेके आते हो तुम? अरे साहब, वो टेम्पो तो सब्जी का है, वो मैं यहाँ से पास हो रहा था तो संदीप भाई को मिलने को आ गया। ए धीड़छाना, तू गप्परा, कर दे इसको गाड़ी में डालो। और तुम दोनों फिर से वाइन शॉप के बाहर दिखे ना, तुम दोनों को भी अंदर कर दूंगा, समझे क्या? अरे
साहब, अरे साहब, ओ साहब, बंद दारू की दुकान के बाहर खड़े रहना गुनाह है क्या? रेप करके भागा और मुझे सिखाएगा? थाने में बात करता हूँ देर से। जब तक सच नहीं बताएगा मार खाता रहेगा। चल उठ उठ उठ। मास्क पहन। साहब किसका रेप? मुझे कुछ नहीं पता था। आरती के साथ वो अपने पति के घर जा रही थी, उस मौके का फायदा उठा के रेप किया ना तूने उसके साथ? नहीं साहब, क्या कह रहे हैं आप? आरती तो मेरे बहन जैसी है साहब, मैंने कुछ नहीं किया, किसी और ने किया होगा। चुप। आरती सर मास्क पी। आरती उसके पति के पास जाने वाली थी, ये सिर्फ उसके पति को, उसके वहिनी को और तेरे को पता था, तो उसका रेप तो उसका पति और वहिनी नहीं कर सकते ना? तूने किया ना उसके साथ रेप? सर मेरे अलावा वो अमर और संदीप भी जानते थे सब, मैंने खुद बोला था उनको सब। साला इस कोरोना की ना ऐसा कुंडली मार के बैठा है ना, लाइफ में भी और धंधे में भी सब कुछ चौपट कर दिया। चलो मैं चलता, सुबह जल्दी जाने का। अच्छा गोपाल बाबा, कल ध्यान से माल की डिलीवरी देने का है, भूलना नहीं। हाँ हाँ याद है, वैसे मैं भी ड्राइवर से ज्यादा डिलीवरी बॉय बन गया है। कैसे? अरे वो शंकर बाबू की बेटी नहीं आरती, उसको कल उसके पति के घर डिलीवर करने का है। अब भैया भैया बोल के मेरे को मना तो लिया, लेकिन अगर पुलिस ने पकड़ लिया ना तो वो तो छूट जाएगी, मेरे को बराबर बांबू देगी पुलिस। अब रिस्क लिया है तो बोगो। प्रताप अमर और संदीप को लेके आओ। सर अगर ये झूठ निकला ना इतना मारूंगा तेरे को, जिंदगी भर पछताएगा। देख सच बताएगा तो दर्द कम होगा, अच्छे तुम्हारा लोकेशन पता चल गया ना, इतना मारूंगा कि दर्द में रोना भी भूल जाओगे। सर सर हम लोग सच बोल रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया। सर फालतू में आप लोग को हराज कर रहे हैं, सच्ची बोला तो कुछ भी नहीं किया। हैरेसमेंट तो अभी शुरू हुई बेटे, जब हैरेस करूंगा ना पतली निकलेगी, समझा? जब तक सच नहीं बोलते तब तक मार दो इसको करने। इन दोनों के कॉल डिटेल्स निकालो, अगर इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला तो ऐसे छोड़ना पड़ेगा। जी सर। और वो आरती का पति सुनील, उसको लेके आओ। सर आरती कुछ तो खा ले, कब तक भूखी रहेगी? भाई भी अब तो बस मर जाने को जी करता है। भाई भी सुनील, भाई भी अगर इसको पता चल गया ना कि मेरे साथ क्या हुआ, ये मुझे छोड़ देंगे। भाई रुक मैं बात करती हूँ। ला। हाँ सुनील। आरती है तिकड़े? हाँ वो बाथरूम में है। क्यों? वो तो आने वाली थी ना आज। अरे ऐसे कैसे आएगी, बीमारी फैली है, लॉकडाउन है, और अकेली जवान लड़की को ऐसे कैसे भेज दे? तो क्या हुआ? उसको कोई जान से मार देगा, मार देना तो अच्छा ही होगा। कौन से मुहूर्त पे शादी करवा दी मेरी? क्या क्या हुआ भाई? नहीं क्या बोला सुनील ने, अब वो मेरे साथ नहीं रहेंगे ना, वो मुझे छोड़ देंगे ना। सही किया उसने, तेरे इसी लड़की को छोड़ देना चाहिए, पूरे खानदान की दांत कटवा दी तूने। हेलो सर, मेरे बाजवा के घर में मारपीट हो रही है, लगता है दिनेश भाई किसी को मार रहे हैं।
कहाँ है तुम्हारा बेटा? सर सर उन्हें बचा लीजिए। बोलो तो तुम मास्टर है तू? शर्म ना तेरे को? चलो इधर खड़े रहो। Give me sense। सब मेरी क्या गलती है साहब? इसको सब पता था साहब। इसकी वजह से इसका रेप हुआ साहब। अब इसका पति इसको छोड़ देगा। ये आरती ने मेरी बीबी को सब कुछ बताया था लेकिन ये मुंह बंद करके रख दी। कुछ नहीं बताया मुझे। मैंने मुंह बंद रखा था? मैंने तो तुम्हें सब कुछ बता दिया था। तुम अपना मुंह फेर के सो गए। वो अपनी आरती है ना, वो कल सब्जी वाले गोपाल के साथ मुंबई जा रही है, उसके टेम्पो में। आप उसे रोको ना। ए, मैं क्यों रोकूं रे? अच्छा है ना, भला टली जाने दे। पर ऐसे वक्त पे वो अकेले कैसे जा सकती है? आप रोको ना उसे। ए, उसको जाना है ना, मरना है तो मरने दे। और तुझे उसके पीछे जाके मरना है ना तो जाके मरना भाई। तेरे को तेरी बीवी ने बताया था ना तेरी बहन के बारे में? उसको समझा नहीं तूने? और किस किस को बताया था? अरे साहब मैं किस मैं किसको कहे को बताएगा? नाक कटा के आइए साहब, भला से कहीं भी जाए। ऐसा मर दे रहे तू? तेरे को किसी की पड़ी नहीं? बीवी को मारता है, बहन को मारता है। तू चल, तू पुलिस स्टेशन चले ला। चला पुलिस स्टेशन, वहां तेरे को सिखाता हूँ पति और भाई का फर्ज। चल घूम चले ला। चल साहब जाने दो ना साहब, अब से नहीं करेंगे। बोला ना तू भी पढ़। हाँ हाँ साहब, नहीं करूंगा। तुम जैसे पत्नियों की वजह से इन जैसे पतियों को हिम्मत आती है सब कुछ करने की। साहब ये पति जात होती है ऐसी है, हम पतियों को ही सब कुछ सहना पड़ता है। मेरा पति तो कम से कम मुझे मार पीट के अपने साथ तो रखता है, लेकिन ये आरती का पति हर रोज दूसरी बीवी लाने की बात करता है। बेचारी इसी डर में रहती है। और आज तो कह रहा था आरती को कोई जान से मार दे तो ये अच्छा होगा। सर, संदीप और अमर की मोबाइल लोकेशन डिटेल्स आ गई। रेप के वक्त दोनों की मोबाइल की लोकेशन उनके घर की। मोबाइल घर पे भी तो छोड़ के जा सकते हैं। उसकी कोई क्राइम हिस्ट्री? जी सर, संदीप की है। कुछ साल पहले उसके गर्लफ्रेंड ने उस पर रेप का चार्ज लगाया लेकिन बाद में केस वापस ले ली। वैसे भी लड़कियों को डराने धमकाने से वो केस वापस ले लेती है, और वैसे ये संदीप डेढ़ शाना बनता है। पता करो मामला क्या था। जी सर। आरती के पति सुनील को मुंबई से लेके आए। कुछ नहीं किया साहब, तब क्यों भर रहे साहब? चुप चिल्ला मत, मास्क मास्क। एक बात बता, आरती तेरे पास मुंबई आ रही थी किस किस को पता था? नहीं साहब, किसी को नहीं पता था साहब। और क्या फर्क पड़ता है ना साहब? मंजू को भी नहीं, उसको तो फर्क पड़ता होगा ना। तेरा कॉल रिकॉर्ड, तेरा अफेयर चल रहा है ना मंजू के साथ? नहीं साहब। ए चुप बैठ, समझा ना, तेरे जैसे पतियों को रोज मिलता हूँ मैं यहाँ। तूने उसको धमकाया था तू जल्दी मुझे मिल लेने आए तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा मंजू के साथ, इसलिए वो लॉकडाउन में तेरे पास आने के लिए निकली। तूने फायदा उठाया, उसका रेप करवाया ताकि तेरे रास्ते से हट जाए। रेप? नहीं साहब, सब सब मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है साहब। आप बोल रहे हो तभी मुझे पता चल रहा है कि उसका रेप हुआ है। ज्यादा भोला मत बन, समझा ना, सब पता है तो कैसा टॉर्चर करता था उसको। साहब ये मारना पीटना धमकाना ये सब अलग बात है साहब, लेकिन मैं किसी का रेप नहीं करवा सकता हूँ साहब। साहब साहब आरती की कसम साहब, साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब। सच क्या है झूठ क्या है जल्दी पता चल जाएगा, समझा ना, बाद में देखता हूँ तेरे को। साहब सुनो ना मेरी बात साहब, साहब सच में मैंने कुछ नहीं किया साहब। आरती को अपने पति के दबाव में उसकी धमकी के आगे हार मानकर लॉकडाउन तोड़कर बाहर जाना पड़ा, और उसका बाहर जाना ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन गया। आरती के बयान के हिसाब से पुलिस ने क्राइम सीन और उसके आसपास की जगह का मुआयना किया, लेकिन ना तो उन्हें कोई पत्थर या कोई ऐसी चीज मिली जिससे आरती पर वार किया गया, और लॉकडाउन की वजह से कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं मिला। कई लोग पुलिस के शक के घेरे में थे, गोपाल से लेकर आरती के पति तक, लेकिन सबूतों के अभाव में पुलिस किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रही थी। और इससे पहले कि पुलिस आरती का केस सॉल्व कर पाती, उनके सामने एक और केस आ गया।
मैडम, आप बीच रास्ते पे क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं लॉकडाउन चल रहा है? वो मैडम क्या हो गया आपको? हेलो सर, हाईवे च्या बाजूच्या रस्त्यावर पडली होती, हालत बहुत खराब. मैं पूछने से पहला ही बेहोश हो गई, इसलिए इधर लेके आया. डॉक्टर बोला रेप हुआ. सर, डॉक्टर ने बताया कि रेप काफी ब्रूटल, काफी इंटरनल इंजरीज आई, सर पे भी चोट लगी. ट्रीटमेंट शुरू कर दी. ये सब कुछ कैसे हुआ? मुझे अस्थमा, मैं इनहेलर लेने गई और जब मैं लौट रही थी किसी ने मेरे सर पे पीछे से मार दिया और वो कपड़ा था और मैं बेहोश हो गई. और जब मुझे होश आया तो मेरे ये सब हुआ. ये सब कुछ कहाँ हुआ? प्रताप, कविता के बॉडी पे सीमेंट्स तो नहीं मिले? जरा आसपास देखो, यूज कॉन्डोम में पैकेट मिलता है. प्रताप, सर पे गहरी चोट है, खून भी बहुत बाहर. अपने फॉरेंसिक टीम को बोलो, पूरा एरिया छान ले, कुछ ना कुछ जरूर मिले. आपकी बहनी वहां क्या कर रही थी? पता नहीं सर, मैंने बहनी को एक घंटे पहले देखा था. वो कपड़े सुखा रही थी. मैं खुद से इतना परेशान थी कि मैंने ध्यान ही नहीं दिया. आप क्या कर रहे थे? साहब, टीवी देख रहा था. वो सीएम साहब का भाषण था ना वायरस पे. इम्पोर्टेंट है ना वो भी. अरे पतिदेव, तू क्या कर रहा था? मैं झोपलो तो साहब, ना काम है ना दारू का बंदोबस्त है साहब. काय करता ना माणूस. मास्क पहन. सॉरी सर. आपके घर के बहू को किसी ने बाहर लाके मार दिया, आपको पता भी नहीं? लॉकडाउन में भी इतने बिजी हो? सर, पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई. आइए शास्त्री. मनोहर जी, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपको नया जन्म मिला है. इस बीमारी ने मेरा सब कुछ छीन लिया है, मेरी नौकरी, मेरे पैसे, बेटी की इज्जत भी. बेला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई. बेला के सर पे भी वैसी ही चोट है जैसे कविता और आरती के सर पे थी.
लेकिन बेला की सर की चोट ज्यादा गहरी है और इसीलिए शायद ज्यादा खून बहा है। बस अब बेला के साथ रेप नहीं हुआ है। प्रताप, आरती और कविता इन दोनों के सर पे चोट थी और दोनों के साथ रेप हुआ है। बेला, इसके सर पे चोट आई सिर्फ, इसके साथ रेप नहीं हुआ। शायद रेप होने से पहले वो मर गई और रेपिस्ट डर के भाग गया। हमारे सामने तीन विक्टिम है, तीनों के सर पे सेम जगह चोट थी और दोनों के साथ रेप हुआ, पर बेला, बेला के साथ रेप नहीं हुआ। मुझे लगता है ये सीरियल रेपिस्ट का काम है। कविता का मेडिकल रिपोर्ट आया? जी सर, कविता के केस में एक अजीब बात पता चली। रेप के वक्त कॉन्डम की जगह पॉलीथीन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया गया था। क्या? कविता के केस में एक अजीब बात पता चली। रेप के वक्त कॉन्डम की जगह पॉलीथीन जैसी किसी चीज का इस्तेमाल किया गया था। क्या? शायद इसीलिए उसे आंद्रू ने ज्यादा चोट आई। जी सर, एक काम करो, क्राइम सीन को वापस चेक करो, फॉरेंसिक टीम और अपनी टीम, ये दोनों को ये पॉलीथीन वाली थ्योरी बताओ। ये दोनों केसेस एक दूसरे से जरूर जुड़ी हुई लगती है, क्योंकि कविता का रेप जहां हुआ उसके आसपास ही बेला की बॉडी मिली। हो सकता है रेपिस्ट के वार से बेला पहले ही मर गई, या तो बेला ने रेपिस्ट को देख लिया इसलिए रेपिस्ट को उसको मारना पड़ा। जो तीन औरतों के साथ क्राइम हुआ है वो एक दूसरे की पड़ोसी थी और ये क्राइम सीन भी उनके घर के आसपास का ही। सर, कहीं इन तीनों को टारगेट तो नहीं किया गया? हो सकता है। एक काम करो प्रताप, इस लॉकडाउन में भी जितने आवारा लड़के घूम रहे ना हीरो बनकर, उनकी पूछताछ करो और किसी भी शक आए तो पुलिस स्टेशन लेके आओ। कुछ बताया? नहीं सर, सबका यही कहना है कि किसी ने कुछ नहीं किया, ना ही किसी ने कुछ देखा है। इनका मोबाइल लोकेशन चेक करो, नंबर ट्रेस पे डाल दो। जहाँ कविता का रेप हुआ था वहाँ से हमें पॉलीथीन का टुकड़ा मिला। फॉरेंसिक ने कंफर्म किया कि इस पे सीमेंट के ट्रेसेस हैं। और सर, हमने आसपास की जगह को अच्छे से चेक किया तो वहाँ पास से इस पॉलीथीन का दूसरा टुकड़ा भी मिला। लगता है कुछ लोगों ने इंसानियत बेच खाई, शैतानी दिमाग बन गया। पैशन 62 मालाड़ वेस्ट, मालाड़ वेस्ट में जाके चेक करो। सर, सोलून काट कविता, कविता तुझे तो तेज बुखार है। हाँ बोलो। ठीक है सर। सर, कविता की तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। मुझे डर है कहीं कोरोना ना हो। प्रताप, मेरे दिमाग में आइडिया है। एक काम करो, मीडिया में खबर फैला दो कि जिस लड़की के साथ रेप हुआ था वो कोरोना पॉजिटिव निकली। ये न्यूज इस तरह फैलनी चाहिए कि ये बात उस रेपिस्ट तक जानी चाहिए और उसे लगना चाहिए कि वो लड़की कविता ही है। और सारे हॉस्पिटल और कोविड टेस्ट सेंटर में इन्फॉर्म कर दो कि अगर कोई खुद होके टेस्ट करने आए कोरोना की तो हमें इन्फॉर्म कर दे। तो सुपर आइडिया, इस बीमारी से तो बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी डरते हैं। बहुत होगा अब इन लोगों का नाटक, लॉकडाउन का बहुत फायदा उठाया इन्होंने, इनका मास्क तो उतरना ही चाहिए। नाय गाँव में हाल में ही एक लड़की के साथ बहुत ही बेरहमी से रेप किया गया और अभी हमें खबर मिली है वो लड़की कोविड पॉजिटिव है। डॉक्टर, मुझे कोरोना। डॉक्टर, हॉस्पिटल में बिना मास्क के कैसे घूम रहे? आप मास्क पहनिए पहले। ये ऐसे टिक नहीं रहा है, गिर रहा है बार बार। डॉक्टर हाँ बताइए। मैडम,
मेरा कोरोना टेस्ट कर लो मैडम। हाँ पर टेस्ट कुछ लक्षण दिखने पे होते हैं, सर्दी खांसी सांस लेने में तकलीफ कुछ ऐसा हो रहा है आपको? हाँ मैडम मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। सर्दी खांसी कुछ नहीं है? हाँ मैडम सब कुछ हो रहा है मेरे को। मैडम मुझे बहुत डर लग रहा है, आप बस मेरा टेस्ट कर लो, मैं जब तक यहीं बैठा रहूंगा जब तक मेरा टेस्ट नहीं होगा। मैडम आप यहाँ पे बैठिए, मैं टेस्ट किट लेके आती हूँ। जी मैडम। कविता का रेप किया वो कोरोना पॉजिटिव थी, तेरे को डर लगा इसलिए तू यहाँ टेस्ट करवाने आया था, है ना? अरे नहीं सर, सर मैंने कविता का रेप नहीं किया सर, लेकिन वो सर मैंने और संदीप ने ना वो आरती का रेप किया था सर। सर लेकिन सारा वो प्लान संदीप का था, मैं तो बस उसके साथ गया था सर। तूने कबूल किया है ना आरती का रेप किया था? वैसा कबूल कर तूने कविता का रेप किया है? नहीं सर, सर कविता के रेप का मेरा मेरे से कुछ लेना देना नहीं है सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर, वो संदीप ने किया और मैंने संदीप को बोला भी था कि वो भी आकर टेस्ट करवाए सर, मुझे और कुछ नहीं मालूम है सर, लेकिन ये रेप संदीप ने किया और सर मुझे लगता है कि वो बेला का मर्डर भी ना संदीप ने किया। ऐसा क्यों करेगा वो? सर वो आरती का बाप शंकर है ना, उसने पैसा लिया था परमेश्वर काका से और शंकर वो पैसा नहीं दे रहा था, तो काका ने संदीप को बोला कि तू जाकर पैसा वसूल करे। तो क्या पता सर इसी वजह से ऐसा कुछ हुआ हो सर, बाकी मुझे कुछ नहीं पता सर। जो वो संदीप वो आरती का बाप शंकर उसको उठा के ला सर। वो सर घेतले होते मी पैसे, परमेश्वर दादा से मैं पैसे लेते रहता, धंधे में तो लेन देन लगा रहता है, पर साहब मैंने उसे कहा था कि जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है मैं उसके सारे पैसे लौटा दूं, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो इतने गिरे हुए निकलेंगे। अरे सिग्नल तोड़ के भागता है, हाँ उतर नीचे नीचे उतर, नीचे कह दिखा शटर खोल। पता चला लगने पे कैसा दर्द होता है? सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, कुछ नहीं किया। देख तेरे दोस्त अमर ने कबूल किया है कि तुम दोनों ने मिलकर आरती का रेप किया था। तूने कविता का रेप किया ना, अभी उसको कोरोना हुआ है और तुझको भी होगा और तेरे से मेरे को कोरोना होगा। पे दिमाग खराब हो गया क्या तेरा, ये देख के साले कुछ भी बोलेगा। अरे भाई मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, हमने आरती का रेप किया था ना, आरती कविता की पड़ोसन है, तूने उसका रेप किया तो उसके पीछे था मेरे को। अरे ज्यादा बकवास करेगा ना जान से मार दूंगा। कर अपना काम। सर गलती हो गई सर, बहुत बड़ी गलती हो गई सर, तीन बार गलती। पहले आरती का रेप, बाद में कविता का रेप, उसके बाद में बेला का मर्डर। सर तेरे गलतियों की सजा की लिस्ट कितनी लंबी होते जा रही है पता तेरे को? सर नहीं सर, तो झूठ झूठ है सर। सर आरती का रेप पहले किया मैं मानता हूँ, पर कविता का रेप पहला का बटन ये सब नहीं किया सर, सच में सर आई शपथ नहीं किया। भाई जी खुद ही शपथ ले दो, सच देखा जाए ना तो आरती के रेप के बाद तेरे मुंह को खून लग गया था। नहीं सर नहीं सर झूठ है सर, सच में आरती का रेप भी मैंने उसके बाप के कहने पे किया, शंकर काका ने बोला था सर। संदीप देख तू तो मेरे बच्चे जैसा है, अपने बाबा को बोलना कि मुझे थोड़ा टाइम दे दे बेटा, लॉकडाउन में कमाई रही नहीं तो पैसे मैं कहाँ से दूंगा। काका देखो मैं आपके और बाबा के मैटर में नहीं पढ़ूंगा, अपने काका की थोड़ी सी मदद कर रहे बाड़ा। अच्छा ठीक, पर मेरा क्या फायदा? देख मेरी बेटी आरती कल गोपाल के टेम्पो से अपने पति के घर जा रही, फिर अगले दिन मैं और अमर कुछ जगह पहले से ही पहुंच गए थे जहां आरती आने वाली थी।
सर, वो पॉलीथिन का पता चल गया और वो किसके घर का है वो भी। बाप अपने बेटी के लिए जान दे देता है, लेकिन पूरी दुनिया में तो एक ही बाप होगा, इतना घटिया बाप होगा जिसने अपने बेटी का रेप करवाया। क्यों किया ऐसा? सब मैंने परमेश्वर से बहुत उधार लेके रखा था। लॉकडाउन में मैंने बहुत सारा धान खरीद कर गोदाम में भर लिया था। सोचा लॉकडाउन में बहुत फायदा होगा, महंगा बेचूं। लेकिन पुलिस ने ब्लैक मार्केटिंग करने वाले दुकानदारों की दुकान बंद करवा दी। माजी सगड़ी प्लानिंग वाया गेली हो, पर मैं क्या करता? ऊपर से परमेश्वर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ था। परमेश्वर पागल आदमी है सर, वो मारपीट पर उतर आता है, इसलिए मुझे संदीप की मदद लेनी पड़ी। परमेश्वर पागल नहीं, तू पागल है, समझा? उधार तूने लिया, ब्लैक मार्केटिंग तेरे को करनी थी और उसकी सजा तूने तेरे बेटे को दी। तू बाप नहीं, शाप है, शाप। और कविता का रेप वो कौन सा उधार चुकता करने के लिए किया था, बोला? देख, तूने मलाड़ से जिस दुकान से शर्ट खरीदी थी ना, उसका सीसीटीवी फुटेज मिला है हमको। सच सच बता, ये तो सीमेंट टेस्ट होने के बाद में सब कुछ सच सामने आ जाएगा। इतना मारूंगा तेरे को, बुढ़ापे में दर्द होगा, बता। सांगतो है सर, सांगतो है। आपको संदीप, भारती के पति और मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए थे। आपको इन सब पर शक था, मुझे पता था पुलिस इस शक के जरिए मुझ तक पहुंच ही जाएगी, तो मैंने सोचा कि आपका ध्यान भटका दूं। उसी दिन मैंने कविता को अकेले सड़क पर देखा तो मुझे अचानक सीरियल रेपिस्ट का ख्याल आया। मैंने कहीं पढ़ा था, इसलिए मैंने कविता का रेप वैसे ही किया जैसे आरती का हुआ था, ताकि पुलिस को लगे कि कोई सीरियल रेपिस्ट है और घर वालों का रेप से कोई कनेक्शन नहीं। कॉन्डोम लेने का टाइम नहीं था, तो ये पॉलीथिन। माता रिया, तेरे को शर्म नहीं आती? हाँ, और वो कविता का रेप करते हुए बेला ने देखा, इसलिए तूने बेला को मार दिया। बाबा, ये जो कुछ भी हुआ है ये कोरोना की वजह से हुआ है। अगर कोरोना नहीं होता तो मेरा नुकसान नहीं होता और मुझे ये सब नहीं करना पड़ता सर। दोष बीमारी का नहीं, तेरे खराब दिमाग का है। जिंदगी इम्तिहान लेते रहती है, लेकिन ऐसे में तुम जैसे कमजोर और घटिया लोग ऐसे में अपराध का सहारा लेते। शंकर को कविता के बलात्कार और बेला के मर्डर के लिए और अमर और संदीप को आरती के बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया है और ये सभी इस वक्त न्यायिक हिरासत में। ये समय देश और पूरी दुनिया के लिए परीक्षा का समय है। कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई अब भी जारी है। हमें सरकार और स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर कोरोना को हराना है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.